नमस्कार, एसआर टाइम के व्हाट्सएप बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अभी तक की खबरों पर। दीपावली की रात शहर में 10 से अधिक स्थानों पर फटाखों से लगी आग। आग की इन घटनाओं में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन लाखों का माल जलकर हुआ खाक। फायर की टीमों ने सभी जगहों पर कड़ी मशक के बाद पाया आग पर काबू। बंगाल की तरफ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय दीपावली की रात पिछले कई वर्षों से मां काली की पूजा कर रहे हैं। दो दिवसीय इस पूजा की शुरुआत दीपावली की रात हुई। विजयवर्गीय के साथ इस पूजा में उनका पूरा परिवार शामिल हुआ। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अनाथ बच्चों और वृद्धों के बीच मनाई दीपावली। उपहार दिए और गीत सुनाया, खुशियां बांटने का किया प्रयास। कसूरिया थाना क्षेत्र में युवती की अर्धनग्न लाश मिलने से फैली सनसनी। दुष्कर्म कर हत्या की जाने की आशंका, मृतक की पहचान जुटाने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। संवेदनशील कहे जाने वाले कलेक्टर पीनाहरि ने दीपोत्सव के मौके पर अपने स्वभाव के मुताबिक अनाथ और निराश्रित बच्चों के बीच वक्त गुजारा। कलेक्टर ने न सिर्फ अपने बेटे के साथ इन बच्चों के बीच खुशियां बांटी और फटाखे चलाए, इसके अलावा उनकी समस्याएं दूर करने का वादा भी किया है। किरायेदारों की जानकारी नहीं देने पर अब मकान मालिकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किए। जानकारी नहीं देने पर प्रशासन ने दो लोगों के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किया है। एसआर टाइम की व्हाट्सएप बुलेटिन में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।